अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे बन रहे हैं आज समोसे, तो आज मैं आपको समोसे की रेसिपी दूंगी। तो हमने समोसे के अंदर जो चिकन हमने डालना है उसको हमने मसाले के साथ डाल के रख दिया और हमने ऊपर आपको रेसिपी दे दी है। और अब हम यहाँ पर समोसे की डो बनाएँगे। तो ऊपर मैंने सारा आपको बता दिया कि क्या डालना है इसमें। आटा हमने लिया है, नमक डाला है उसमें हमने, नमक का सॉल्ट टू टेस्ट है। अब हमने इसमें कलवंजी डाल दी है और अब हमने इसमें घी डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और फिर इसे अच्छे से भून लेना है, मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है। और ये हमारी अच्छी सी डो बन गई है। और हमने यहाँ पोटैटोस को बॉईल करने के लिए रख देना है और उसमें नमक डाल देना है। तो जो हमने डो बनाई थी उसके हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं और उसको फिर हमने रोटियां बना लेनी हैं हल्की आंच पर। और जो हमने पोटैटोस बॉईल करके रखे थे उसे हमने मैश कर लिया है और अब हम इसमें हमारे मैश्ड पोटैटोस डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब हम इसे हमारा मैश चिकन जो हमने मैश किया था वो डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें हाफ अनियन डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और जो हमने सॉल्ट डाला है वो तो टेस्ट है, तो हमें जैसे सॉल्ट ठीक लगा हमने उसके अंदर सॉल्ट डाल लिया। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह 1 किलो आटे से हमारी कितने ज़्यादा पातियाँ बन गई हैं और हमारी फिलिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और बहुत अच्छे से बन गई है। और यहाँ पे हमने मैदे में वाटर डाल के रख लिया है समोसे के, उस समोसे को बंद करने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़्यादा हमारे 1 किलो से बना है और कितने अच्छे बनी हैं चपातियाँ। तो ये पहला स्टेप बस आपको फॉलो करना होता है, स्लैरी समोसे की डो के बिल्कुल बीच में लगानी होती है ताकि समोसा अच्छे से बंद हो जाए और उसे अच्छे से फोल्ड कर लेना फिर आपने। और फिर आप इसके अंदर अपनी फिलिंग्स डाल सकते हैं। और इस तरह हमारे सारे माशाल्लाह समोसे तैयार हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना घर पर। तो यहाँ पे हम आपको समोसा फ्राई करके दिखा रहे हैं कि हमारे कितने अच्छे समोसे बने, तो इनको हम फ्राई कर रहे हैं। पहले आपने हाई स्पीड पे ऑयल गरम करना है और जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने इसमें समोसे डाल देने हैं और लो की स्पीड लो कर देनी है और फिर आपने लो स्पीड पे ही सारे समोसे पकाने हैं, फ्राई करनी है जब तक वो गोल्डन, हल्की लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे समोसे तैयार हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं।
और अब हम यहाँ बना रहे हैं फुल्कियाँ, और इसकी सारी मेजरमेंट्स वगैरह मैंने आपको ऊपर दे दी हैं। और इसको हमने बहुत हाई फ्लेम पे बनाना है, अगर हमने इसे लो फ्लेम पे बनाया तो ऐसे ही नहीं बन जाएंगे और बैठ जाएंगे। और अब हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे, और तब तक हमें इसको फ्राई करना है जब तक इसका रंग लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं, और ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार की बनी हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से गाइस हमारे फुल्के और समोसे दोनों तैयार हो गए, और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like, comment and share. Till then, Allah Hafiz.